हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रियंका और जस्ट अभी मैं नहा के पूजा वूजा करके आ गई हूँ किचन में। किचन वगैरह तो सारा क्लीन कर दिया, सब कुछ हो गया है और चाय भी पी लिया था। तो आठ बज रहे हैं, 8:15 हो रहे हैं, सॉरी, तो 8 बज रहे हैं। और मैं सोच रही थी ना, अभी हार्दिक कुछ भी खाया पिया नहीं है, उसको दूध दे देती हूँ। दूध दे देती हूँ, देखती हूँ, बहुत मुश्किल से तो पिएगा। तो मैं उसके लिए दूध जा रही ठंडा करने के लिए और फिर मिलती हूँ। दूध दे दिया है, पी लिया है और ये खेल रहा है। बाबू क्या कर रहे हो? ओ, गाड़ी चला रहे हैं हार्दिक, अभी गाड़ी चला रहे हैं। फैन की आवाज आ रही होगी, मैं बंद कर दूं? हाँ, आप गुस्सा हो क्यों भाई? आप फिर से गुस्सा हो गए? क्यों गुस्सा हो जाते हो फिर से? तो चलिए, अभी मैं जा रही तरोई की सब्जी बनाने और नए तरीके से बनाऊंगी तरोई की सब्जी और बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनेगी। जरूर एक बार ट्राई करिएगा ऐसे बना के। तो चलिए अभी मैं वो भी कर लेती हूँ जल्दी से। आज मुझे ना मार्केट भी जाना है, मार्केट से कुछ सामान लाना। मार्केट नहीं जाऊँगी, एक गली वाला दुकान है, अगर देखती हूँ वो खुला रहेगा तो बोलूँगी आंटी के लड़के से कि लल्ला तू थोड़ा सा चला जा, कष्ट कर ले, जाके देख ले वो दुकान खुली हो तो मुझे बता देना। तो मैं वहाँ से कुछ चीज़ें हैं, किचन की चीज़ें हैं जो मुझे लेना बहुत ज़रूरी है, तो मैं जाऊँगी और ले के आऊँगी। बाबू को आंटी के घर ही छोड़ दूँगी, इसको नहीं ले जाऊँगी। हो सकता है आंटी के साथ जाऊँ, क्योंकि ना कोई साथ में रहता है तो अच्छा लगता है, तो आंटी को ही लेके जाऊंगी। तो चलिए मैं जा रही बनाने सब्जी, ट्राई जरूर करिएगा, बहुत टेस्टी बनती है। तो चलिए देखिए, हम यहाँ पे बना रहे हैं और उसके लिए मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। मसाला के लिए मैंने लाल मिर्ची, जीरा और लहसुन लिया है और अभी हम थोड़ा सा मूंगफली रोस्ट कर लेंगे। और पूरी तरीके से, जैसे कि मूंगफली को नहीं पकाना है, आधा आधा ये भुनना है। फिर उसके बाद ये जैसे ही भुन जाएगा इसको मैं पीस लूँगी। और ये देखिए पीस के कुछ ऐसा हो गया है। अभी इसमें मैं धनिया पाउडर डाल लेती हूँ और थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है और नमक डाल के बस अब इसको अच्छे से मिक्स करके मैं वो जो तरवी थी उसमें पूरा भर लिया है, फिलिंग कर लिया है। अभी देखिए ये ऐसा कुछ लग रहा है। अब मैं क्या करना है कि कढ़ाई लेनी है और कढ़ाई में तेल डालना है। तेल डालने के बाद मैं उसमें जीरा सॉरी पचफोड़न का तड़का दूंगी। पचफोड़न का तड़का देने के बाद उसमें मैं हल्दी डालूंगी और फिर उसके बाद मैं तरोई डालूंगी। ऐसे बनाने से बहुत ही टेस्टी बनता है। और ये देखिए मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया है और अभी मैं इसको ढक के रख दूँगी अच्छी तरीके से, थोड़ा सा चला के, और एकदम स्लो आंच में पकानी है, बिल्कुल धीमी आंच पे पकानी है इसे। और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम ढक के छोड़ देते हैं और थोड़ी देर बाद देखते हैं तो ये ऐसा हो गया था। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है और पानी आपको भी ऐड करना है। और जैसे कि तरोई अगर पानी छोड़ती है तो छोड़ती ही है, लेकिन ये पता नहीं क्या छोड़ नहीं रही थी, तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी और ज़्यादा ऐड कर लिया था और फिर उसमें धनिया डाल दिया था। वो सॉरी इसके आगे नहीं वो हो पाया। और फिर ये देखिए इसका लुक ऐसा आ रहा है और खाने में बहुत टेस्टी था। उसके साथ मैंने पानी की रोटी बनाई थी गैस पर ही और ये खीरा है तो बहुत ही टेस्टी बनी थी। और अगर आप लोग नहीं ट्राई की हो तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे पापा से बातें हो रही थी और जैसे कि अभी पापा शायद पता चला है कि वो बनारस में शिफ्ट हैं, लेकिन वहाँ से फिर इनकी रोटी पिंडरा लग गई है। तो वही बातें चल रही थी इनकी कि आप थोड़ा अपना केयर करिएगा, ख्याल रखिएगा। तो बोले थे हाँ बेटा मैं एकदम ठीक हूँ, अपना भी तुम ध्यान रखना। तो यही सारी बातें हो रही थी बाप बेटी में। आ गई मैं वहाँ से और
बाबू वो ट्राइपॉड वैसे भी टूट गया, उसे रख दो बेटा। तो हमें ठंडी लग रही है माँ, पानी में चावल। आगे आप ट्राइपॉड रख दो। गर्मी लगती है या ठंडी लगती है? मैं पंखा बंद कर देती हूँ ना तो कहता है मम्मा मुझे ठंडी लग रही है। गर्मी नहीं कहेगा, ठंडी लग रही। कितनी बार कहो कि नहीं बाबू ठंडी नहीं होती, गर्मी होती। तो मैं गई मार्केट और सामान वगैरह लेके आ गई और अपनी थ्रेडिंग भी करवा लिया। आंटी ने, आंटी की फ्रेंड है ना। ओहो बच्चा इसे छोड़ दो यार। तो लग गई। ओह सॉरी, किसी गलू इसने मार दिया। अच्छा लाओ किसी गलू, सही हो जाएगा। सही हो जाएगा ना। तो क्या कहते हैं, आंटी के साथ गई और उनकी फ्रेंड थी तो उन्होंने थ्रेडिंग भी मेरी कर दी। वैसे वो किसी की करती नहीं है, वो है ना, बस आंटी को भी करवाना था तो मुझे भी करवाना था तो मैं भी करवा दी। और आज बाल बहुत ज़्यादा रफ से लग रहे हैं, DIY कुछ करना पड़ेगा बालों के लिए। तो ए बेटू, तू मेरे ट्राइपॉड के पीछे क्यों पड़ा रहता है? हाँ तो चलिए अभी कुछ बैठ के बातें करते हैं हम लोगों से, बहुत ज़रूरी बातें। चलिए अभी मैं अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार। और ये मैं जो मेरा टॉप है ये मुझे रीत ने दिया था, ये जब हम लोग मुंबई जा रहे थे घूमने के लिए तब उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया था, बोला कि ये पहन के चलना। तो आज मैंने वही पहन रखा है उनका दिया हुआ। तो कैसी लग रही हूँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। हे गाइस, यहाँ पे मैं दूसरे दिन का वीडियो शूट किया है वो लगा रही हूँ, क्योंकि मैं बस कल तक का वहीं पे वीडियो ही शूट कर पाई थी। और यहाँ पे देखिए वो कुछ डिब्बे पड़े हुए थे जिनको मुझे मतलब धुलना था, वो गंदे हो चुके थे तो मैं यहाँ पे धुल रही हूँ उसे। और वहाँ पे बाबू भी मुझे परेशान कर रहा है बारी बारी, वो आँखें ना कोई काम नहीं करने देता है, कितना भी इसको डांटो ना लेकिन है अपने आदत से मजबूर, आएगा वहीं आएगा। अगर मैं डांट के कहूँगी जाओ आप पंखे में बैठो, कूलर चला के बैठ जाओ, लेकिन नहीं वो आएगा यहीं पे। मतलब छोटे बच्चे ना कितने ज़िद्दी और कितने आदत से मजबूर होते हैं ना, उनको कुछ भी कहो उनको समझ में नहीं आता है, वो अपने मन की ही करेंगे। अभी यहाँ मैं उसको साफ़ कर रही थी तो वो भी, और गर्मी बहुत ज़्यादा 2-3 दिन से पड़ रही है कि पूछो मत। और बच्चे से बच्चों का डर लगता है ना, वो पानी खेलता रहता है फिर ठंडे में जाता है, वो होता है ना शीत गर्म होने का चांस ज़्यादा रहता है, लेकिन मानता ही नहीं है। और यहाँ पे मैं साफ कर ले रही हूँ। और कल घर से भी फ़ोन आया था, सब जगह से फ़ोन आ रहे हैं। और शायद आप लोगों को कुछ जल्दी नया कुछ देखने को मिले, और आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा कुछ नया देखने को मिलेगा। तो कोशिश करूँगी वो दिन बहुत जल्दी आए और बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलने वाले हैं आगे आके। तो बस ऐसे ही सपोर्ट और प्यार करते रहिएगा। और यहाँ पे पानी मैंने पूरा धुलाई कर दिया ना, ऐसा धूल आती है सामने से जो फ्लैट खाली है ना यहाँ पे पड़े हुए हैं तो वहाँ से धूल आती है, अभी बने पड़े नहीं हुए हैं। और ये देखिए ये बाल्टी सिर में लगा के और ऐसे घूमता रहता है, मतलब गिर भी सकते हैं लेकिन नहीं मानते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रियंका। और सुबह से ना थोड़ा सा वीडियो शूट किया और फिर उसके बाद ना मन नहीं कहा कि कुछ भी करूं, तो फिर मैंने कुछ भी नहीं शूट किया यार, मन ही नहीं कहा था पता नहीं क्यों ना, अभी कुछ करने का मन नहीं कर रहा, बस ऐसे बैठे रहो। और दिन में सो, रात में नींद ही नहीं आती है। और अभी पापा गया है खेलने के लिए और आंटी बांटी बाहर बात कर रही हैं, और आंटी बोली कि आज चलते हैं कहीं खेत में, तो मुझे भूख लगी है। जस्ट उठा सो के ना मैंने वही नाश्ता किया था, चाय और टोस्ट, तो ये नाश्ता समझ लो या फिर कुछ भी समझ लो, लेकिन बस यही मैंने किया था। इसके करने के बाद फिर सो गई और पापा को दूध दिया था तो वो भी सो गया, वो सो के उठा तुरंत चला गया दीदी के पास। जैसे वो गया तो मैंने सोचा कि चलो कपड़े भी मुझे फोल्ड करने वो रखे पड़े हैं, तो
वो गया है खेलने के लिए, और मैं भी सोच रही हूँ अभी मैं खा लेती हूँ थोड़ा सा। बहुत जोरी से लगी है, तो मैंने बनाया था दाल चावल और वो क्या कहते हैं मूली की पत्ती की सब्जी आलू डाल के सिंपल तरीके से बनाया हुआ था। तो चलिए खा लेते हैं, भूख बहुत जोरों से लगी है। तो यहाँ पे आवाज आ रही होगी आप लोगों को बातें की, तो चलिए देखते हैं क्या बातें हो रही हैं। मैं वीडियो उन लोगों के सामने नहीं बना सकती। सुनने के लिए, और चलिए तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से बाद में, क्योंकि होता है ना, मिलते हैं बाद में। इतनी गर्मी है यार, इतनी गर्मी है ना, पूछो मत। और क्या कहते हैं, बातें बातें किया और खाना खाने के बाद बैठे ही बातें करने, वहाँ पे सब बात कर रहे थे तो आवाज़ आ रही थी, मैं भी सुन रही थी। और आदि ने मुझे सुबह बोला था, बेटा तुम छोले बना देना, क्योंकि तुम्हारे हाथ के ना मटर के छोले, वो काबुली चना का छोला बनाती है ना, तो अच्छा लगता है। तो उन्होंने मुझे बोला था कि तुम मटर के छोले बना देना, तो मैंने देखो ये सुबह में भिगो के रखा है इतना ढेर सारा, तो ये मैंने सुबह में भिगो दिया था और अभी बनाऊंगी, देखूंगी कब बनाऊंगी। और वो रोटी तो नहीं बनाती, रोटी या देखिए क्या कहती हैं, यहाँ पे बनाने को बोलती हैं या फिर वहाँ पे बनाने को, अपने घर पे बनाने को बोलती हैं, चाहे चावल बनाए चाहे उसके साथ पूड़ी बनाए। आंटियों के घर पे ना उनके उन लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि कह नहीं सकते। पता है तीसरे दिन तो उन लोगों को पूड़ियाँ खानी है, अगर मैं खाऊँ अगर तीसरे दिन ना, तो मेरी तो तबीयत खराब हो जाती है, सच बताऊँ। मुझे ज़्यादा ऑयली चीज़ नहीं पसंद है, पसंद ही नहीं। पहले मैं खाती थी तो मुझे ना बार बार, जैसे कि पता है मेरी तबीयत खराब हो जाती है, तो मैं नहीं खाती। ये थोड़ा सा मटर मैंने निकाल लिया, अब इसको मैं फ्राई करके हो गया है शाम का नाश्ता। और चाय मैं नहीं पीऊंगी, क्योंकि ना चाय से वेट बढ़ता है, तो मैंने चाय छोड़ ही दिया है ऐसा ही, क्योंकि मैं वेट गेन कर रही हूँ, वेट गेन हो रहा था थोड़ा, तो सब लोग बोल रहे थे कि आप मोटे हो रहे हो, तो मैंने सोचा मैं मोटे हो रही हूँ। चाय मैं बहुत ज़्यादा पीती हूँ, चाहे कितनी गर्मी रहे कुछ भी रहे, चाय बहुत ज़्यादा पीती हूँ, तो सब लोग बोले कि आप बहुत मोटे हो रहे हो। मैंने कहा ठीक है, तो ऐसा होता ना, चाय भी ना मेरी चलती नहीं है, तो मैं सुबह में ले रही हूँ, और शाम के टाइम मैं, मन तो कहता है कि पी लूँ, लेकिन ना उसकी जगह मैं ग्रीन टी पी रही हूँ। आज मेरा ग्रीन टी भी पीने का मन नहीं है, तो इसी को मैंने बना लिया है नींबू वो डाल के, बहुत ही अच्छा लगता है टेस्ट इसका, तो इसी को मैंने बना लिया है और यही खा लूँगी। फिर रात में भी हैवी ही हो जाएगा, छोले बनेंगे अभी आंटी के घर, देखो क्या बनता है, पूड़ी बनती है या फिर चावल बनता है, क्या बनता है। वैसे जहाँ तक मैं कहूँगी मैं अपने लिए रोटी बना लूँगी, लेकिन वो ना जिद करने लगती, नहीं बेटा तुम यहीं पर खा लो यहीं पर खा लो, तो वो चीज़ें थोड़ा सा वो होता है, कोई जिद करता है ना तो मना भी ना कर सको। बदलता है
पता है क्या कहता है, मम्मा भूख बहुत जोर से लगी है, पराठा बना दो। और जब पराठा बनाओगे ना, कहेगा मम्मा देखो, और जब पराठा बना दोगे ना तो क्या बोलेगा, मम्मा मुझे नहीं खाना है, मुझे भूख नहीं लगी, मुझे उल्टी आ जाएगी, मत खिलाना इतना। और ये शाम का समय हो गया है, तो शाम को घर में जैसे कि सभी लोग करते हैं, पूजा कर रही हूँ शाम के टाइम। और यहाँ पे बाबू भी आ गया है, दीपक ही जलाती हूँ और कुछ नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे हार्दिक भी आ गए हैं और वो भी घंटी बजा रहे हैं और वो भी पूजा करता है बहुत, उसका मतलब पूजा पाठ में उसका मन बहुत ज़्यादा लगता है। तो बस ये पूजा हो चुकी है और ये देखिए शाम की तैयारी चालू हो गई है। अभी मैं सोच रही हूँ बना लूँ। अभी एक बात होता है ना, अगर कोई कहता है कोई चीज़ बनाने के लिए ना, तो ये होता है कि पता नहीं कैसा बनेगा। और ऐसे जब बेमन से आप बनाओ ना, तो कभी कभी वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं, और जब मन से बनाओ ना तो वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो भाई थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि इतने प्यार से कहा है तो करना तो पड़ेगा ही, लेकिन मन में अभी डर चल रहा है कि कैसे होगा, क्या होगा और अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा। तो चलिए मैं बना ही लेती हूँ और अपनी वीडियो में तब तक मिलती हूँ, बाय। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा।